चलिए ऑडिबल है भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। फटाफट से शेयर कर दो, बता दो सभी को कि अरुण सर आ चुके हैं रेशियो का दूसरा पार्ट लेके। और क्या आप तक पढ़ लिया हम लोगों ने? चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। अरे शेयर कर दो भाई लोगों, फटाफट से शेयर करो, टेलीग्राम वेलीग्राम सब जगह बता दो सबको। चलो तो मेरा नेक्स्ट टाइम जो सेशन, इससे पहले जो सेशन हुआ था वो लगा लेता हूँ। एडमिट कार्ड सबके आ गए, कब एग्जाम? आरआरबी क्लर्क का एग्जाम कब है भाई? 14 को। ओके 14 तक हम लोग इस बैच में काफी कुछ पढ़ लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस तक हम लोग कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब ये बैच आपका आईबीपीएस क्लर्क तक पूरा खत्म हो जाएगा। आ जाओ, आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैं सोच रहा हूँ एक नया बैच लेके आऊँ। तुम लोग बताओ, एक नया बैच के मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, एक मॉर्निंग बैच लाने का मन कर रहा है मेरा, ठीक है? केवल अर्थमेटिक का मैं सोच रहा हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क को लेके मैं मॉर्निंग का एक बैच प्लान कर रहा हूँ। तो जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली अर्थमैटिक। हाँ ठीक है, तो प्लान चल रहा है मेरे दिमाग में अर्थमैटिक का एक बढ़िया बैच लेके आने की सोच रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ, देखो तो लास्ट टाइम हमने बिगनर्स पढ़ा था, लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी वो हुई थी 14 जुलाई को, ठीक है? उसके बाद फिर सैटरडे संडे पड़ गया था, फिर एक डाउट सेशन भी हुआ था। बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया था आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था, शायद मुझे याद आ रहा है ना। ये देखिए, ये भी नया बैच है बेटा निर्मय, बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया था। ये देखिए इस तरीके से, तो काफी हद तक हमने इस पे क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे हम लोगों ने, याद है ना? अपने घर पे पीडीएफ सॉल्व किया था, ठीक है? इनका आंसर बिजी इतने कॉइंस वाले क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में, समझाया था कि क्या होता है, बताया था ना उसके बारे में क्रॉस, ठीक है? उसके बाद यहां तक हमने कर लिया था, तो ये सवाल मैंने कर लिए थे, ये वाले भी करके दिए थे। तो आज हम शुरू करते हैं, बनाइए पहला क्वेश्चन। अभी किया था नहीं किया था? इसके अलावा जितने भी डाउट्स हैं आपके रेशियो प्रोपोर्शन में सारे पूछ लेना, सारे बताऊंगा आज, अटैच कर दो। एक कंपनी है जिसमें मेन और वीमेन का रेशियो है 5:3, कुछ नए आदमी और नई औरतें हायर करी, इस रेशियो में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी बिकम्स कितना? तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन बिकम्स कितना? कैसे बनाएंगे? सी, आपने ये कहा कि पहले कुछ आदमी थे और कुछ औरतें थी, तो मान लीजिए 5:3 के रेशियो में कुछ आदमी हायर किए इस रेशियो में, ये हायरिंग के लोग हैं, तो रेशियो बिकम्स 7:5 और लोग कितने हो गए? 96। तो 12 = 7 और 5 = 12 = 1 = तो इसका मतलब 5600 लोग अब हो गए और 4000 लोग हो गए। हाँ या ना बोलो,
बताओ सीधा सीधा प्रश्न कि अब 5600 लोग हो गए और अब 4000, तो आप सीधा सीधा बना लो कि भाई पहले जो आदमी थे और अब इतने आदमी आपने ऐड किए, तो कैसे करेंगे? पहले आदमी थे 5x, औरती थी आपकी, ये कितने ऐड किए? 5x में 5y ऐड किया तो 5600, 3x था 7y ऐड किया। इक्वेशन ड्रॉ कर लो मुझे। ये समझ आया ना कि भाई 5 3 थे पहले, पहले हायरिंग इस रेशियो में करी 5y, इतने लोग हो गए। सॉल्व कर ले इसको, किसको बैलेंस करें? 3 5 15, 3 3 5 15, 3 5 15 y, 5 3 15 5 7 35 y, माइनस किया बराबर 2040, 4000 है ना, ये 20000 हो जाएगा। 3 6 18 15 और 100, 20y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? हाउस दैट, बोलो भाई कुछ तो बोलो। ये देखो भाई की वैल्यू 160 आ गई, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनिशियली बताओ फटाफट से। इनिशियली मतलब यहां रखा, एक सौ साठ का 5 गुना 800 नहीं आया समझ? रिपीट करूं? देखो फिर से रिपीट करो। देखो आपने ये कहा कि इनिशियली आपके मेन और वीमेन का एक रेशियो है, ठीक है सर? आपने जो ऐड किया मेन और वीमेन, वो भी रेशियो में ऐड किया, ये देखो ये भी रेशियो में ऐड किया, तो न्यू बिकम्स, वो भी रेशियो है 7:5, तो 7 और 5 12 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, क्यों दे रखी ना आपको 12 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू, तो आपने कहा कि अब आपके पास इतने लोग हैं, अब आपके पास इतने लोग, ये इतना तो क्लियर है, अब तो बोलो भाई, बोलो भाई, अब क्लियर है। तो मैंने वही बोला कि मान लो समथिंग ये होगा, इसमें कुछ मिलाया फिर ये हुआ, इसमें कुछ मिलाया फिर ये हुआ, तो मैंने कहा ये 5x है, ये भी y के टर्म्स में मिलाया, तो मैंने इक्वेशन बस ये तो बनाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये देखो ये देखो, अब मुझे निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनिशियली, इनिशियली कितने लोग हैं, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो वाई बैलेंस कर लो, ये लो वाई बैलेंस कर लो, तो ये 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35 एक्स, सात तीन 21, 5 3 15 एक्स, 7 से मल्टीप्लाई किया इसको, 35 35, 7 5 35, 5 3 कर लोगे आपकी कराम? ये देखो 20x बराबर डन, तो क्या पूछ रहे हो? नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8x, कोई शॉर्टकट? पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले समझ आया, अब बात आती है शॉर्टकट की। शॉर्टकट यहाँ पे क्यों नहीं लग पा रहा है? आपने जब क्रॉस वर्ड मेरे साथ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस
प्रोडक्ट में होता है कि एक रेशियो गिवन होता है और एड और सब्ट्रैक्ट जो हम करते हैं वो एक वैल्यू होती है और रेशियो बिकम्स होता है। तो बेसिकली ये भी आपको रेशियो गिवन है, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि ये वाला भी रेशियो है और ये वाला वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से सुनना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या बोलता है, देखो शॉर्टकट बस एक वही तरीका है कि आपने कहा कि जो ऐड कर रहे हैं वो भी रेशियो में कर रहे हैं और हो कितना रहा है, है ना, बोलो ध्यान देना, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा। तो कैसे करेंगे क्रॉस रेट कि ये हम ऐड करते हैं वैल्यू में ये रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, काम वही करना है, 7 5 35 5 3 15 सही है, 4 5 20,000 7 6 42 35 2 39 तो 19.2 तो 20 बराबर हो ही आ गया, 1 = 96, 5 और 3 8 = कैसा लगा क्वेश्चन, तरीका वही है, ये 1 = 960 आएगा, ये भी 960 आएगा। तो कैसा लगा आपको ये तरीका, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आज के बाद एग्जाम में बने, क्रॉस प्रोडक्ट बनता नहीं है, वो दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐसे होगा, तो आपने क्या करना था, ये वाला मेथड, रेशियो एड, या तो ये वैल्यू होगी या फिर ये वैल्यू, ये भी वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में 2 वैल्यू और 1 रेशियो 2 रेशियो 1 वैल्यू। देन तरीका फिर वही है जो मैंने आपके सामने पूछा, ये थोड़ा लेंथी जाएगा, ये शॉर्ट। आज के बाद बन जाएगा, हो जाएगा सर, हाँ या ना बोलो, अब वो आपके दिमाग में की बेसिक है, देखो ये तो रट्टा है, सही बात है, मैं वही आपसे कहता हूँ, इसलिए मैंने देखो आपको पहले बताया नहीं, अपना काम वो है कि भाई बच्चे को वो बता दो कि जिससे उसको ये लगे कि हाँ यार मेरे को ये अच्छा तरीका है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हो गया मिल्क बेसिक लगाते हैं, मिल्क बेसिक बताऊं ना, दिमाग में जो याद रहता है, ऑन एडिंग 8 लीटर पानी तो रेशियो बिकम्स, फ्रेमिंग आपको बस सीखनी है मेरे साथ, फाइंड द वॉटर इन द फाइनल, और लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट से जल्दी होता है, मेरा मानना है कि अगर आपकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी है तो आप फ्रेमिंग करके भी उतना जल्दी बना लोगे जो बाकी लोग शॉर्टकट से बनाते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, बताओ, आप फ्रेमिंग करके भी उतना जल्दी बना लोगे जो लोग शॉर्टकट से बनाते हैं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिंक एंड कॉपर इज 2:1,
75 तो आपने कहा जिंक 2x, दो और एक तीन में बांट लो चाहे तो, पचहत्तर में बांट लो, तो दो और एक तीन की वैल्यू है एक बराबर 25, तो यानी ये 50 है। द अमाउंट ऑफ कॉपर टू बी एडेड एक्स, तो रेशियो बिकम्स 1:100। आप मुझे बताओ सर, मजा आ रहा है ना आपको? फंडामेंटल सिखा रहा हूं बस, आई डोंट बिलीव इन कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिस पे मुझे खुद ये लगे कि यार ये चीज तो बच्चा कैसे करेगा, याद नहीं रहेगा। वन मोर आइए, कल से हम रिप्लेसमेंट शुरू करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लीटर का एल्कोहल है 300। ये 10 की वैल्यू है, हाउ मच एल्कोहल, एल्कोहल एंड वाटर तीन थी ना, तीन दो नीचे एल्कोहल तीन है, सॉरी तो 9 है। हाउ मच वाटर ऐड करे, 9 × 3 = 27, ठीक है चेक करना, एल्कोहल टू वाटर 2-3, एल्कोहल ठीक है 27 = 42, कुछ गड़बड़ करा ना, एक मिनट एल्कोहल मिलाना है यार, दिमाग मिलाना, एल्कोहल मिलाना है, सॉरी 37 जा, डन, इजी था। नेक्स्ट, ये आपके क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे, कल से रिप्लेसमेंट शुरू करेंगे, रिप्लेसमेंट आप देखोगे कितना मजा आने वाला है आपको। 600 ग्राम शुरू करें, 40% 240, उसके अलावा वाटर कितना हो जाएगा, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, 50% 30। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा।
एक मिक्सचर है दूध पानी का, तो मिल्क पानी 5x और 3x। आज थोड़ी आवाज मेरी आपको स्लो लग रही होगी, अभी बीच में बारिश हुई है तो उस वजह से मेरा गले थोड़ा सा फिर दिक्कत करने लगा है, तो इसलिए मैं काफी स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपका? आवाज बराबर आ रही ना मेरी? ठीक है। इफ 8 लीटर मिल्क मिला दिया 8, तो रेशियो बिकम्स 11/5। ठीक है बच्चे, तो 5 5 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड सही है बच्चे, समझ में सभी को आ रहा है नहीं आ रहा है? बस हाँ या ना में जवाब दो, अगर आ रहा है तो परफेक्ट। ठीक है, एक और फंडामेंटल्स कभी आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। आज आप बैंक की तैयारी करेंगे, कल आपका मन होगा यूपीएससी करने का, होगा डेफिनेटली मन होगा, जब आपका बैंक का सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग यूपीएससी एसएससी की तरफ भागेंगे, तो आपको मेरी याद आएगी कि सर ने हमें बेसिक सिखाए, हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। बनाओ शाबाश, बहुत बेसिक सवाल है, आप उसको करना शॉर्टकट में बताऊंगा। शॉर्टकट कुछ होता नहीं है वैसे, नंबर ऑफ बॉल्स इन बैक पी और बैक क्यू, पी में कितनी बॉल है बेसिक बताऊं पहले? ठीक है, 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैक क्यू और ड्रॉप्ड इन बैक, तो नंबर ऑफ बॉल्स इन इक्वल, तो करवाया था शायद मैंने ना, देखो बहुत अच्छा गौरव, तो 2x+5 तो नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ, तो नाउ 20 और 5, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। तो बात आती शॉर्टकट से, शॉर्टकट है उसमें लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कि P और Q, तो P में आपने 5 ऐड करी या 5 घटा दी, रेशियो बिकम्स 1:1, 5 × 10 और 15, भाई 5 × 10 -10 हो जाए, 5 × 3 = 15, दोनों का डिफरेंस 25, 5 × 5 -5, तो दोनों का डिफरेंस 10, बताओ 5 × 5 और तो आया समझ नहीं आया? अब वो आप देख लो, मैं तो बता दोनों तरीके से रहा हूँ, बेसिक से कर लो शॉर्टकट से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 − 10 = 25 का अंतर यहाँ करें, ये सब बकवास है सच सर भाई, यही मेथड। नेक्स्ट, एक और पास फेल वाले क्वेश्चन, बच्चे हैं सर्टेन स्कूल में, रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल 9x है, अनसक्सेसफुल 2 है, तो कितने बच्चे हुए? ग्यारह एक्स, और बच्चे हैं कितने? ठीक है भाई, अब 12 सक्सेसफुल यानी कितने हो गए? 6 9 9 6 15,
ये देखो, तो ये हो गए पास और ये हो गए फेल। यहां तक समझ आ गया, बेसिक बताया मैंने, कोई शॉर्टकट बताऊंगा पहले, तो बेसिक देख लो। अब बोल रहा है कि 12 बच्चे और पास होते, तो 12 और पास हो जाते हैं, 4 2 6 2 और 1 3, तो 336 हो जाते हैं। तो 12 अब फेल कम होते ना, फेल होने वाले कितने हो जाते हैं, 60। 12 पास होते तो फेल 12 कम होते, तो व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 4 2 8। कैसा लगा बताओ? -12 लिखा क्वेश्चन में बेटा, देखो 12 बच्चे और पास हुए, तो जब 12 बच्चे और पास हुए तो 12 कम फेल नहीं होंगे, कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते बताओ? अरे जब 12 बच्चे एक्स्ट्रा पास हुए तो 12 कम फेल हुए ना यार। मॉन एवरीवन, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और दे रहा हूं, अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे। बेटा 396 तो बच्चे हैं, उसमें पास इतने हुए इतने फेल हुए, तो वही मैंने आपको बताया कि इतने बच्चे हैं ये आ गए। अब 12 कम फेल हुए, तो 12 कम फेल हुए मतलब इतने में से 396 जो थे उसी में 72 जो फेल हुए उसी में 12 कम फेल हो गए, तो 60 फेल हो गए, 12 ज्यादा पास हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलो। हाँ, क्लर्क से पहले अर्थमैटिक पूरा हो जाएगा। शॉर्टकट, अरे भाई शॉर्टकट कैसे बताऊं, शॉर्टकट बड़ा सिंपल है, आ जाओ। शॉर्टकट क्या है कि 396 है, किस रेशियो में, पास और फेल, तो पास कितने हुए 9 और फेल हुए 2, तो 9 और 2 11 की वैल्यू ये रही। तो बात तो वही पड़ी हो, तो मैं बस एक्स मान के बता रहा हूँ यार, ये देखो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, गलती मत करो। Two-third of the number of employee of a company are male, rest are female. 3/8 of male employee and 2/5 of female employee are temporary employee. Total number of permanent employee इतने, तो इतने employee exceed the number of temporary. कैसे बनाएंगे? देखो, हमारे पास क्या है? 2/5 employee are male and rest are female. मेल फीमेल, फंडामेंटल कभी का आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी धोखा नहीं देगा अगर आप सही से पढ़ रहे हो। तो 2/3 आपके क्या है, मेल है। अगर मैंने कहा फीमेल आपकी 3x है, तो आपके मेल कितने हैं, रेस्ट आर फीमेल। 3/8 मेल का
इसका 3/8 टेम्पररी है, तो परमानेंट कितना हुआ? बहुत अच्छे, फीमेल में 2/5 टेम्पररी है, 3/5 आया ना बोलो। अब सवाल ने क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ परमानेंट 740, तो परमानेंट यहां पे कितने? 2x का 5/8 तो मेल परमानेंट है, प्लस 3x का 3/5, सही है। कमेंट फास्ट, अब सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। 5 × 10x, सर टोटल एक्स है, टोटल तो 5x है भाई, क्योंकि 3 ये 2 ये 5, 3 फीमेल है 2 मेल है, कहां से पता चला? ये देखो 2/3, ये 3 और ये 2, इसमें 3/8 टेम्पररी है तो 5/8 परमानेंट, यहाँ 2/5 3/5 और परमानेंट आपको दे रखी है। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मेथड बताया था मैंने यूट्यूब पे, बटरफ्लाई मेथड पढ़ा था आपने यूट्यूब पे, 50 72 क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 72 कितना हो गया? और नीचे ये 8 × 40 740, तो ये 122। सर परमानेंट किधर लिखा है? ये लिखा है ना, अरे दोस्त नींद में हो गया, ये देखो नींद में हो गया तुम लोग, पहले तो मुझे ये बताओ। बताओ भाई, अरे 3/8 मेल का 2/5 फीमेल का टेम्पररी है, तो 3/8 तो ये 5/8, 3/5 3/5, हाँ या ना बोलो, आपको सही क्लियर है? नहीं आया समझ में अभी भी? तो फिर रहने दो, छोड़ो, नहीं आया समझ में? बताओ तो सही, क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ तो सही। सर फीमेल 1 होगा, कौन सी फीमेल 1 हो गई? अच्छा अच्छा सॉरी, उल्टा ले लिया हमने, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, अच्छा 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 वापस से, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे वो समझ में आ गया था। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वो मेरे को रीडिंग का, उसने कहा कि 2/3 मेल है, मतलब टोटल अगर 3x है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मेल 2x है। एक्चुअली मेरे को ये लगा कि 2/3 फीमेल का, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे टेम्पररी कितने हैं? 3/8 टेम्पररी, तो परमानेंट कितने हो जाएंगे? 5/8, इसमें 3/8 टेम्पररी, सॉरी 2/5 टेम्पररी है फीमेल में, 3/5 परमानेंट है। तो कैसे करना है कि इसका परमानेंट, ये देखो x का 3/5 740, got it? आज थोड़ा तबियत खराब है ना, जिस वजह से दिमाग घूम रहा है, 2, 4, 6, 5, 5, 25 और 12, का डबल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अब क्या पूछ रहा है, ये कितने लोग हुए? 1200। डन, यहां तक क्लियर है? बताओ सब लोग, ठीक। तो 7/15 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल, तो 7/15 इसका, ये क्लर्क मेंस में आएगा अगर आएगा तो, ये है 560। बोल रहा है कि ये कितना ज्यादा है टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय से, फीमेल में टेम्पररी कितनी है? फीमेल में 400 लोग हैं और 2/5
160 तो ये इससे कितना ज्यादा है, है? तो ये क्वेश्चन जो आएगा आपके ऐसे नहीं कि क्लर्क प्री में आएगा, दैट्स व्हाई क्वेश्चन कमिंग क्लर्क मींस, या पीओ प्री में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। गॉट इट? थम्स अप करो एक बार। हाउ स्टार्ट नेक्स्ट, आ जाओ एक और क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता। बनाओ बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है, पीयू लेवल टाइप का है, ट्राई तो करो, सेम क्वेश्चन है। ऑफिस में 5x8 एम्प्लॉय आर मेल, रेस्ट आर फीमेल, मेल तो 5x8 मतलब टोटल अगर 8x तो मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, बहुत अच्छा। 2x5 मेल्स आर नॉन टेक्निकल, 2x5 यानी 2x नॉन टेक्निकल, तो टेक्निकल कितने हो गए, 2/3 फीमेल आर टेक्निकल, तो यहां टेक्निकल कितने हुए, 2/3 नॉन टेक एक्स, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर टेक्निकल, कितने लोग हैं, 3/2 5 कितने में से, कितना फ्रैक्शन। तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा दैट विल कम इन पीओ, ये है ना, ये क्वेश्चन आपके क्लर्क में आ सकता है। प्रियंका आज मेरा फर्स्ट डे क्लास का, बहुत सारा कंफ्यूजन है। प्रियंका कंफ्यूजन क्या है वो आपने नहीं बताया कि कंफ्यूजन किस चीज का है, क्लास देखने में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहां से करूं, कुछ तो कंफ्यूजन है वो बताइए, है ना, ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है, जितने भी लोग हैं मेरा सबसे, मैं बाद में लास्ट में बात भी करूंगा, और आपको लगता है कि मुझे कंफ्यूजन है तो पूछिए शुरू कहां से करूं। देखो आज आप जुड़े हो, आज एक टॉपिक शुरू हुआ है, तो इसके पीछे के टॉपिक्स तो आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे, या तो वेट कीजिए कोई नए मैच का। प्रियंका देखो मेरी बात सुनो, आप एक काम करना प्रियंका, मेरा एक कोर्स है अरुणोदय 1.2, एक बैच है मेरा, उसको आप रिकॉर्डेड देख लो, और इस वाले बैचेस को आप लाइव कर लेना। ठीक है प्रियंका, पूरा अरुणोदय 1.2 रिकॉर्डेड है, उसको आप आराम से देख के पूरा समझ लोगे, बहुत बेसिक बैच है। ठीक है, 1.2 या फिर 2.1.2 देख लेना, 1.2 सही है, 2.2 भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर पे लास्ट टाइम भी बात की थी हम लोगों ने, और क्वेश्चंस भी किए थे इनकम एक्सपेंडिचर पे, मुझे याद है ना, आप लोगों ने घर पे किए थे क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर पे, ये सवाल मैंने घर के लिए दिए थे आपको, याद है, कुछ याद आया होगा, कुछ घर के लिए दिए थे।
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इतना इज 5:4, मतलब 864 लोग हैं इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, दिस इज इक्वल टू 9 की वैल्यू 9 9 81 96। अब कह रहा है कि when some new boys, new girls are admitted, तो boys increase by 12, ratio of girls and boys changes to इतना, तो number of new girls admitted। अब मुझे कौन बताएगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि 480 लड़के हैं, लड़कियां 384 है, बताओ कुछ लड़के ऐड किए और नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 12, नंबर ऑफ बॉयज हमने 12 बढ़ाए, सम न्यू बॉयज एंड न्यू गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 12, गर्ल्स आपने कितनी ऐड करी जी, दैट इज इक्वल टू 7:6, सिंपल तो था, 492 आया ना, बोलो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए, बताओ यहां से गर्ल्स निकाल दोगे कि मैं सॉल्व करके इसको पूरा 12 आदित्य पढ़ो ना, जब कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला करते हैं तो लड़के लड़कियों से अनुपात बदल कर 7:6, इसमें है नहीं मिस, इसमें लिखवा देखो हिंदी में नहीं इंग्लिश में है, सम न्यू बॉयज गर्ल्स आर एडमिटेड तो बॉयज इंक्रीज बाय 12, अगर ये होगा नहीं तो फिर कैसे आप कर पाओगे, 864 नहीं आया समझ, 864 लिख तो रखा है कि 864 लोग हैं 5:4 के रेशियो में, 9 की वैल्यू, सही है, चलो वन मोर, एक और अच्छा क्वेश्चन है, रीडिंग देखो सबसे जरूरी, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा वो है आपकी रीडिंग, रेशियो प्रोपोर्शन पे ऐसे सवाल आते हैं बट बैंक एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं रिप्लेसमेंट से, जिसको हम लोग कल शुरू करेंगे, तो कल कोई भी छुट्टी मत लेना भाई, कल बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, हो गया, चलो आप में से कौन पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, अरुणोदय 2.0 में मेंसुरेशन लास्ट 3 लेक्चर तक कम किया बट लेक्चर मिसिंग है, मैं एक बार देख लेता हूं जो लेक्चर मिसिंग है ना वो ऐड ऑन करा दूंगा, हाँ जी एक स्टॉल सेल पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन अ पैकेट ऑफ 3 साइज लार्ज सुपर और जंबो, लार्ज सुपर जंबो, तो द नंबर ऑफ लार्ज सुपर जंबो पैकेट आर इन द स्टॉक 7, 17, 16, नंबर ऑफ नंबर्स देखिए, लार्ज वाले 7 पैकेट हैं, सुपर वाले 17 पैकेट है और जंबो वाले 16 पैकेट हैं, एंड पॉपकॉर्न आर इतना फॉर चिप्स पैकेट है बेसिकली, ये हमारे क्या है पैकेट्स, ठीक है यहां तक क्लियर, एक बार आया ना बोलो कुछ नहीं था, लार्ज के 7 पैकेट है, सुपर के 17 पैकेट है, जंबो के 16 पैकेट है, आप सुनो फॉर पॉपकॉर्न छ 15 ये पॉपकॉर्न के पैकेट हैं यार, पैकेट पैकेट पॉपकॉर्न और सॉरी उल्टा पढ़ रहा हूं,
और चिप्स के कितने पैकेट हैं? चिप्स के पैकेट यहाँ 6 हैं, यहाँ 15 पैकेट चिप्स के। ठीक है, पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन द स्टॉक इज सेम एज चिप्स पैकेट्स। तो जितने पैकेट्स पॉपकॉर्न के हैं उतने ही पैकेट चिप्स के हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जंबो पॉकेट एंडिस, तो क्या करेंगे दोनों को बराबर? 17 7 24 और 16 ये 40 हैं, 15 और 6 21 और 14 ये तो 35 ही हैं, तो इट शुड बी इक्वल ना, तो इट मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 280 बराबर हो गए। फिर 7 से करी तो ये 49, 17 7 जा 16 7 जा 8 6 जा 48, 15 8 जा 120। फर्स्ट अब क्या पूछ रहा है वो कि जंबो पैकेट्स पॉपकॉर्न, जंबो पैकेट्स पॉपकॉर्न ये रहा 112, जंबो चिप्स पैकेट 112। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम रेशियो टॉपिक, दिस इज द रेशियो टॉपिक। आर गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है सभी को समझ में ना? बहुत अच्छे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला किया था आप लोगों ने क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। डाउट भी लूंगा, चिंता मत करो, पहले इसको पढ़ लो। बताओ, इन काशी विश्वनाथ टेम्पल एवरी डिवोटी ऑफर्स फ्रूट्स टू द ऑर्फन्स। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक जो भक्त है वो अपने जो मतलब जो कहते हैं ना कि अनाथ होते हैं वो उसको वो केले देता है, फ्रूट्स देता है बेसिकली। दस एवरी ऑफन रिसीव, केले मिलते हैं, ऑरेंज ग्रैप इन द रेशियो ऑफ दर्जन, बट द वेट ऑफ ग्रैप इज इतना ग्राम, वेट ऑफ बनाना, वेट ऑफ ऑरेंजेस इसका रेशियो, वाइल वेट ऑफ एन एवरेज इतना, कैसे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो का क्वेश्चन। आधे से ज्यादा लोग तो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं और फिर कहते सब नहीं आया समझ में। पढ़िए उसे एक बार, कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो फ्रेमिंग करोगे। कुछ तो फ्रेमिंग करोगे इसकी, बहुत अच्छा अंशुमान आ जाओ। देखो क्या होता है कि एवरी ऑर्फन रिसीव बनाना ऑरेंज इन द रेशियो ऑफ दर्जन, मतलब 3 दर्जन 2 दर्जन 7 दर्जन ऐसे, कि अगर आप बनाना दे रहे हो तो बनाना कितना मिल रहा है? 3 दर्जन। ऑरेंज कितना मिल रहा है? 2 दर्जन। ग्रैप्स कितना मिल रहा है? 7 दर्जन। ठीक है, ये क्लियर है, दर्जन मिल रहा है। ठीक है, दर्जन का मतलब क्या हो गया? 12 हो गया, तो बेसिकली कितने वो दिए इसने? 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये वो दे रहा है 36। ये नंबर ऑफ फ्रूट्स जो बनाना में बांट रहा हूं अनाथ बच्चों में, वो मैं इतने बांट रहा हूं। बट द वेट ऑफ अ ग्रैप इज 24 ग्राम। एक ग्रैप का वजन 24 ग्राम, एक अंगूर 24 ग्राम का है। वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंजेस आर इन द रेशियो 4:5। बनाने का वजन मान लो इतना है और ऑरेंज का वजन मान लो इतना। वाइल द वेट ऑफ एन ऑरेंज इज 150, तो ऑरेंज का वेट 5 बराबर 150, 1 बराबर 30,
इसका वजन 120 ग्राम है, अब इसका वजन है 100, हाउ इज दैट अंकिता, क्या समझ नहीं आया? पूछो ना जो समझ नहीं आया, कंफ्यूज मत करो देखो खुद को। अंकिता देखो, अंकिता ये हुआ कि एक डिवोटी है वो केले बांट रहा है, 3 दर्जन, 2 दर्जन, 7 दर्जन, लिखा है ना, रेशियो है, और 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कि 36 केले बांट रहा हूँ, 24 संतरे बांट रहा हूँ, इतने अमरूद बांट रहा हूँ, एक अमरूद का वजन इतना है, ऑरेंज का वजन कितना है 150, दैट इज 4:5 का रेशियो था, तो 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू, तो फाइंड द ऑल फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ वेट, तो ये कितने का हो गया, अब रेशियो बनाना है, तो रेशियो क्या करेंगे, सिंपल है, मल्टीप्लाई मत करो, तो 36 इंटू 120 रेशियो, 24 इंटू 150 रेशियो, 84 इंटू 24, सही है, तो 12 से काट, 0 तो कटेगा नहीं, 12 से काट लो, 12 थी 36, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, फिर इससे काटे, 2 से काट लो, 2 6 12, 180, 150, 84, 3 से काट लो, 60, 2 से काट लो, 30, थम्स अप, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द डाउट, अब डाउट में क्या समझ नहीं आ रहा मुझे वो पूछो, अब जो भी डाउट्स हैं आपके मैं डाउट पिक करूंगा, ठीक है, क्या ये ए बी का व्यवसाय शुरू किया, ये सवाल बेटा पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप जब पढ़ाऊंगा ना इस लेक्चर में उस टाइम पूछना, अभी मुझे कॉन्सेप्ट में क्लियर ही नहीं है, तो अभी बता के फायदा ही कुछ नहीं है, पार्टनरशिप का जो सवाल है उस पर पूछना, नेक्स्ट डाउट जिनके भी ये पूछ लो, है ना, क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है भाई इसमें, पहला वाला तो लगता नहीं, दूसरा वाला होगा, सीट्स ऑफ मैथ्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर इन द रेशियो 5:7:8, तो आपने क्या कहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों बता दे रहा हूँ, मान लो ये 50 सीटें हैं, 70 सीटें हैं, 80, 40% बढ़ गई, 50%, 40% यानी 20 बढ़ गई, 7×5=35 बढ़ गई, 3×4=60 बढ़ गई, तो हो कितनी गई, 50 × 2=70, 105, ठीक है, पहले वाला The difference between two-digit number and the number obtained by interchanging is 36. Two-digit number कुछ ऐसा होता है। इसको interchange किया तो ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच का difference इसमें से ऐसा होगा। ये रहा 36. X minus Y 4 है। ठीक है भाई? So what is the difference between the sum and the difference between the digit if ratio between these two digits is 1? अब ये समझ आया कि नहीं आया पहले आया? Comment fast कि वो two digit number ये होगा और ये होगा। उनको interchange किया 36 को। अब कह रहा कि वो जो संख्याएं हैं, मतलब कोई number जैसे मान लो example 24 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 10×2 ऐसे तो लिखोगे? तो वही लिखा मैंने, तो x बेसिकली यहाँ 2 है और y बेसिकली यहाँ 4 है, ये मतलब, got it? आया समझ में, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया ना? अब उनका रेशियो दे रखा है दो का, मतलब कि 1 और 2,
तो एक बराबर चार, तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि वो नंबर क्या हो सकता है बताओ, एक बराबर ये ना कि रेशियो बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर इज 1 2, कि वो नंबर्स का जो रेशियो है दैट इज 1 और 2, 10 क्यों बोलू देखो, टू डिजिट नंबर जिसमें दो अंक हैं, एक नंबर है 42, इसको आप कैसे लिखोगे? थ्री डिजिट नंबर, कैसे लिखोगे? ये देखो 9 × 10 और +3, ऐसे लिखोगे ना, यानी लिखा जाता है 100x। ये देखिए, और टू डिजिट लिखा जाता है, आया समझ में? हाउ इज दैट? अब कह रहा है कि इसको इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज किया तो 24 हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस 12 में से 4 गया, 8, 4 में से 2 गया। ये तो वो चीज आपको दे रखी थी उसमें, गेटिंग माय पॉइंट? तो वही मैंने बोला कि लेट दैट डिजिट बी, लेट मान लो कि ये डिजिट आपकी दे रखी है 1 और 2 का रेशियो, तो पहली डिजिट क्या है x है, दूसरी डिजिट क्या है 2x। हाँ या ना बोलो फटाफट से, पहली डिजिट x से 2x, तो नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस, इंटरचेंज कर दूंगा, हाँ या ना बोलो, 10 × 20, इनका डिफरेंस 9x बराबर x बराबर 4, तो नंबर क्या है वो 4, 8, 8, 4, तो नंबर है वो 48 था, बाद में 84। ठीक, क्या पूछ रहा है? सम ऑफ द डिजिट 12, difference of the digit 4. So, what is the difference between the sum and the difference? So, inka difference answer ho gaya. Kisne pucha tha ye sawal? Clear hai? Acha question. Baki ye wale question mein kya gadbadi hai bhai? Isme kya dikkat hai batao? Chandan ek baar usko recorded dekhna mil jayega ek. इस वाले में क्या दिक्कत है? सब तो अभी पढ़ाए, तुम अभी अभी में ही भूल गए क्या? मैं भी अभी तो पढ़ाया था यार, एक डाउट है चंदन, 19:06 वाली क्लास हो रही होगी यार, 6 बजे वाली क्लास, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इस वाले में भी दिक्कत है बताओ, मतलब एक काम करना, रिकॉर्डेड देखना, सुनो मेरी बात, रिकॉर्डेड देखना ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा। आज के कम से कम कुछ डिफरेंट पूछो यार, अभी की पूछा है किसी बच्चे ने, देखो, इन आवर सिंगापुर ऑफिस 60% फीमेल, 50% ऑफ ऑल मेंबर्स आर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इतने परसेंट निकले, इसमें क्या दिक्कत है? परसेंटेज का सवाल ही तो बता रहा हूँ मैं, चलो इस सवाल के बारे में बाकी डाउट किया। एक सिंगापुर का ऑफिस है, 60% फीमेल, अभी तो पढ़ाया था, तो मेल कितने हो जाएंगे? सही है, एक्स भी बोल सकते हैं, 50% ऑफ ऑल मेल्स, इसका 50% 20x कंप्यूटर लिटरेट, इफ देयर आर इतने परसेंट एम्प्लॉय लिटरेट, इतने लोग हैं इसमें, 62x लोग क्या है, कंप्यूटर है, 62 में से इतने लोग यहां से आ गए, तो फीमेल से कितने हुए? ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय 1600 एम्प्लॉय टोटल, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयर कंप्यूटर लिटरेट, तो ये 42, तो 42 × 16 कर दो, 16 से एम्प्लॉय x बराबर 16 आ गया ना सीधा, तो
नंबर ऑफ ईमेल एम्प्लॉय हु आर कंप्यूटर लिटरेट ना, तो प्रोवाइड डेट अवर कंपनी है ना 64 या 64 16 32। रिकॉर्डेड देखना है और कुछ नहीं, बस ये रिप्लेसमेंट में कराऊंगा। किसने पूछा है सवाल? रिप्लेसमेंट कल शुरू कर रहा हूँ, कल रिप्लेसमेंट में पढ़ाऊंगा। और बताओ, अब किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कर सकता है, किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कर सकता है। ये वाला पूछ रहे हो, ए बराबर दो। फंडामेंटल पे तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं काम करते हो, शॉर्टकट के पीछे भागते हो, इसलिए पागल हो जाते हो। 2a 4x - 3b 3×3=9x + 4c 4×16x 16×4=20 फंडामेंटल्स पे काम करोगे कभी कोई पेपर नहीं फंसेगा। ये तो बैंक में आता भी नहीं, एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और बस एक निवेदन है आप लोगों से, 7 बजे क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास देखी थी ना यूट्यूब वाली? नहीं देखी होगी, मुझे मालूम है भाई, देख लो उसको, कोशिश करो। अर्थमेटिक की क्लास पे मिलते हैं, ठीक है, शाम 7। चलो थैंक यू सो मच, शाम को मिलते हैं अर्थमेटिक की क्लास में, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद साथी, इस बार।